बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि आज पीएससी की बैठक और फिर कल सुबह 11 बजे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होगी और उस विधायक दल की बैठक में आज जिस नाम को लेकर मंथन होगा और मोहर लग जाएगी उसी नाम को चुन लिया जाएगा। यही तस्वीर अभी तक साफ हो रही है दीपक, क्रोनोलॉजी यही रहने वाली है। आज पीएससी की बैठक एक नाम पर सहमति बना दी जाएगी और फिर औपचारिक तौर पर विधायक दल की कल सुबह 11 बजे बैठक और उसी नाम को चुन लिया जाएगा। दीपक, बिल्कुल यही तैयारी थी आम आदमी पार्टी की कि पहले नाम, हालांकि ये कहा भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने नाम पहले ही सोच लिया था जब उन्होंने इस्तीफा देने का सोचा था कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उनके बाद उनके कामकाज को आगे बढ़ा सकता है। जो तैयारी आम आदमी पार्टी की थी कि किस तरीके से आखिरी के 4-5 महीनों में सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाना है, कौन सी पॉलिसी को जमीन पर उतारना है जिसका फायदा चुनाव में होगा, उस नाम को तय कर लिया था। उसी नाम को आज मनीष सिसोदिया से डिस्कस किया गया और उसी नाम को पीएससी में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन इस पीएससी की बैठक को लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है रोमाना, मैं जानकारी जो सोर्सेस से मिल रही है इस पीएससी की बैठक में वो सदस्य भी हो सकता है जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। अब आप समझिए कि कौन हो सकता है इसमें। अब विधायकों की बात करूं तो इसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया तो है ही, जो विधायक जो कह चुके हैं कि हम चुनाव मतलब इसमें मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे, जब तक हम चुनाव जीत कर नहीं आते तब तक हम किसी पद पर नहीं होंगे। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज, अतिशी और गोपाल राय, ये तीन नाम ऐसे हैं जो कि इस पीएससी की बैठक के सदस्य भी हैं, इस बैठक में भी मौजूद हैं और शायद यहीं पर ही उसे ये बता भी दिया जाएगा कि आपको हम आगे कर रहे हैं। तो ये पुख्ता जानकारी जो मिल रही है वो ये कहा जा रहा है कि पीएससी बैठक में नाम तय हो जाएगा और ये भी काफी हद तक संभव है किसी पीएससी मेंबर में से एक मेंबर दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।